उनके ना मिलने पर सभी सखा परेशान हो गए और रोने लगे। सखाओं की परेशानी देख भगवान श्री कृष्ण वापस अपने रूप में प्रकट हुए और इस पहाड़ी की एक विशाल शिला पर खड़े होकर बंसी बजाने लगे। कहा जाता है कि भगवान की इस मधुर वंशी की ध्वनि से वहां मौजूद पत्थर से बनी विशाल शिलाएं पिघलने लगी।